चेन्नई सुपर किंग्स ने आगाज दमदार किया था, लेकिन आखिरी में ऐसी हालत हुई कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हारकर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की दौड़ से टीम बाहर हो गई। महेंद्र सिंह धोनी रांची लौट चुके हैं और अपने शहर में बाइक दौड़ाते भी नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपना आखिरी मैच आईपीएल का खेल लिया है। हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान अब तक नहीं किया है। अब जब टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है तो उसके चाहने वाले और टीम मैनेजमेंट के लिए अब रिव्यू का समय है। ओवरऑल देखेंगे तो टीम का प्रदर्शन उस तरीके का नहीं रहा है जिस तरीके की उम्मीद थी या जितना उसके प्लेयर्स के पास दम है। टीम में सबसे अधिक पैसे पाने वाले प्लेयर्स में शामिल दीपक चाहर ने टूर्नामेंट में आखिरी बार 1 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ घरेलू मुकाबले में खेला था। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने स्पेल का पहला ओवर फेंकते समय ही अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ ली और पवेलियन लौट चले गए। सीएसके के मुख्य कोच ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि चोट गंभीर है और चहर तब से खेलने के लिए मैदान पर नहीं उतरे हैं। सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड ने आरसीबी के खिलाफ इस बात की पुष्टि की कि चहर अभी तक टीम का हिस्सा नहीं है और उन्होंने केवल एक बदलाव का नाम लिया, वो भी मजबूरी में। उन्होंने उस समय कहा था कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, विकेट अच्छा लग रहा है, परिस्थितियां गेंदबाजी के लिए ठीक है, बादल छाए हुए हैं और हम पहले 2-3 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ प्लेयर्स चोटिल हैं, कुछ प्लेयर्स मौजूद नहीं है और प्लेइंग 11 में बदलाव एक होगा। उस समय दीपक चहर को लेकर जब गायकवाड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दीपक चहर को टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया गया है, वास्तव में उन्हें नेट्स में गेंदबाजी करते भी देखा गया, हालांकि वो अंतिम लीग प्रतियोगिता में मैदान पर उतरने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं है। अगर सीएसके इसके लिए क्वालिफाई करता तो वो प्लेऑफ में भूमिका बेहतर निभा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीएसके क्वालिफाई कर ही नहीं पाई। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। दीपक चहर ने आईपीएल 2024 में 8 मैचों में 5 विकेट ली हैं। चहर का अभियान निराशाजनक रहा है। पावर प्ले में गेंद को स्विंग करने की क्षमता के कारण नई गेंद के साथ आमतौर पर काफी भरोसेमंद गेंदबाज है वो, लेकिन वो इस हद तक अप्रभावी रहेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। उन्होंने इस सीजन में 8 मैच खेले हैं जिसमें 40.40 यानी कि 40 के आसपास की औसत और 8.6 की इकोनॉमी से केवल 5 विकेट लिए हैं, जो कि 14 करोड़ के खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा है। पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान आरसीबी के खिलाफ नहीं मौजूद थे, ऐसे में टीम पूरी तरीके से तुषार देशपांडे पर निर्भर हो गई। इसका आरसीबी ने खूब फायदा भी उठाया और जमकर रन कूटे। अगर दीपक चहर शायद खेल रहे होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बता दें कि टीम ने दीपक चहर पर एक बड़ा दांव खेला था और उन्हें 14 करोड़ रुपए की भारी रकम देकर रिटेन किया गया था, जो कि एमएस धोनी जिनको 12 करोड़ से अधिक में रिटेन किया गया था उनसे भी ज्यादा है। हालांकि अब टीम को समझ आ रहा होगा कि दीपक चहर ने कितना बड़ा नुकसान टीम को पहुंचाया है। ऐसे में अगले साल जब 2025 में मेगा ऑक्शन होगा तो टीम शायद अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करेगी और बेहतर तरीके से बेहतर खिलाड़ियों को रिटेन करने की कोशिश करेगी जो आगे लंबे समय तक टीम को सर्व कर सके। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स नाइट। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।